नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनन्या। अनन्यास कॉर्नर में आप सभी का स्वागत करती हूं। आपके सामने ये प्लांट है स्नेक प्लांट की, जिसे हम सेंसेवेरिया मदर इन लॉ स्ट्रंग भी बोला जाता है। एक लंबी पतली पत्ती वाला मजबूत पौधा होता है ये स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट एक नेचुरल एयर प्योरीफायर है, ये हवा को शुद्ध करता है। ये इंडोर प्लांट है तो घर में आप फ्रेशनेस और पॉजिटिव एनर्जी के लिए इसे लगा सकते हैं। देखभाल करना बहुत आसान है, एक बार लगा दीजिए तो काफ़ी समय तक यह आपको छोड़कर जाएगा नहीं। बहुत ही हार्डी प्लांट होता है। मेरे चैनल पर स्नेक प्लांट की कई सारे वीडियोस बनी हुई है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये पौधा दूसरे पौधे के मुकाबले रात में बहुत तेज़ी से कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलता है। बस इसकी जो केयरिंग है थोड़ी देखभाल करनी पड़ती है, यही कि इसकी मिट्टी अब गार्डन सॉइल ही ले, बस जब पानी दे तो मिट्टी जब पूरी तरह से ड्राई हो जाए तभी पानी दीजिए। एक्सेस वाटरिंग एकदम नहीं मांगता है यह, नहीं तो इसमें फंगस हो जाता है, यानी रूट इसके डैमेज हो जाते हैं। इसके जो राइजम होते हैं, ऐसे तो बहुत मजबूत होता है इसके राइजम, लेकिन वो थोड़ा सा सड़ जाता है अगर एक्सेस पानी हो जाए। सर्दियों में आप महीने में एक बार अच्छी तरह से पानी दे दीजिए तो वही काफ़ी रहेगा। साल भर इसे आप हल्की फुल्की पानी देते रहें, जब मिट्टी सूख जाए तभी दीजिए, तो ये यही ठीक है इसके लिए। प्लांट को लगाना देखभाल करना बहुत आसान है। अगर आप चाहते हैं स्नेक प्लांट अच्छी तरह से बढ़े तो प्लांटर में 50% गार्डन सॉइल और 50% पथरीली बालू जो होती है ना, वो थोड़ा सा गोबर की खाद के साथ मिलाकर उसी में पौधे को लगा दीजिए तो काफ़ी अच्छी तरह से चलता रहता है। बार बार इसमें गोबर की खाद या लिक्विड फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मैंने तो ऐसा नहीं करती हूँ। मिट्टी पथरीली यानी जो मोटी वाली जो पथरीली बालू मिट्टी होती है उससे देना अच्छा होता है, क्योंकि उसमें पानी नहीं रुकता है। बस गमले के तल में एक होल जरूर रखें, इससे एक्स्ट्रा जो पानी होगा वो निकल जाएगा। हल्की धूप चाहता है, छांव पे भी आप रख सकते हैं। बस स्नेक प्लांट के लिए इतनी केयरिंग ही काफ़ी है। आप इसे लगा कर देखिए, बहुत अच्छा है और बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, देखने भी बहुत खूबसूरत लगता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर। नए नए वीडियोस मैं लाती रहती हूँ। अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल ऑल वाले ऑप्शन को क्लिक कर दीजिए और मेरे साथ बने रहिए। मेरे प्लेलिस्ट में जाकर, मेरे चैनल पर जाकर आप काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हैं। आगे भी मैं इस तरह की वीडियो लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार।